Okay, sad good morning this beautiful Friday morning 94.3 my FM pe main RJ Meenakshi aapke saath chalo aaj kuch acha sunte hain aaj ki kahani सेठ राम दयाल जो है वो अपने दुकान पर बैठे थे और दोपहर का समय था इसीलिए वहां पर कोई ग्राहक नहीं था। सेठ जी ने दुकान के कोने में एक दीवान रखा हुआ था और जब ग्राहक नहीं होते तो सेठ जी उसी दीवान पर थोड़ा सा आराम कर लेते थे। उस दिन भी सेठ जी ग्राहकों के अभाव में थोड़ा सा आराम कर रहे थे। इतने में ही किसी ने आकर सेठ जी को आवाज लगाई और कुछ देने को कहा। सेठ जी हैरान रह गए, इस समय कौन है। उठकर देखा तो एक संत महात्मा याचना कर रहे थे। सेठ जी बड़े दयालु थे, तुरंत उठे और दान देने के लिए चावल की बोरी में से एक कटोरा भरकर चावल निकाला और संत महात्मा के पास आकर उनको चावल दिया। संत महात्मा ने सेठ जी को बहुत आशीर्वाद और दुआएं दी। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से कहा, महात्मा जी आपको मेरा प्रणाम, मैं आपसे अपने मन में उठी शंका का समाधान चाहता हूँ। महात्मा जी ने भी प्यार से कहा, कहो वत्स, क्या शंका है। सेठ जी ने कहा कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं, गुस्से में क्यों आ जाते हैं। महात्मा जी ने बहुत ही शांत स्वभाव और मधुर वाणी में कहा कि सेठ मैं तुम्हारे पास भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारे इस प्रकार के मूर्खता पूर्वक सवालों का जवाब नहीं देने आया हूँ। महात्मा जी का ये जवाब सुनकर सेठ जी मन में सोचने लगे, कैसा घमंडी और असभ्य संत है, बड़ा ही कृतघ्न है, मैंने तो इसको दान दिया और ये देखो मुझे किस प्रकार की बातें बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। ये सोचकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया और काफी देर तक वो संत को खरी खोटी सुनाते रहे। सेठ जी अपने मन की पूरी भड़ास निकाल कर कुछ शांत हुए। अब संत महात्मा जी बड़े शांत और स्थिर भाव से बोले, जैसे ही मैंने कुछ बोला आपको गुस्सा आ गया और आप गुस्से से भर गए और लगे जोर जोर से बोलने और चिल्लाने। यानी क्या, यानी वास्तव में केवल गुस्सा ही सारे झगड़े का मूल है। अगर हम अपने गुस्से पे काबू रख लें या काबू रखना सीख जाएं तो दुनिया में कोई झगड़ा नहीं होगा। किससे कोई छोटी सी गलती होगी तो उसका बवाल नहीं मचेगा। किसी और को गुस्सा करने से पहले वो गुस्सा आप खुद पर करते हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मीनाक्षी और माय एफएम तो यही कहते हैं, डोंट बी एंग्री, इट्स नॉट वर्थ इट। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।